डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वच्छता अभियान चलाया है। केशव प्रसाद मौर्य ने निषाद मंदिर के पास पहले स्वच्छता अभियान चलाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम के अयोध्या दौरे से पहले वहीं पर कैंप किया हुआ है और लगातार स्वच्छता अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। और ये देखिए तस्वीर भी सामने आई है, खुद भी इसमें पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। कल भी कुछ ऐसी तस्वीर आई थी, ये आज की तस्वीर आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला है स्वच्छता अभियान को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के रिहर्सल के तौर पर 30 दिसंबर को देखा जा रहा है। इससे पहले जो तैयारियां हैं वो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार अयोध्या में ही हैं, वहीं पर उन्होंने कैंप किया हुआ है और स्वच्छता अभियान की जो कमान है उनके हाथों है। तो देखिए, भगवा नगरी है तो भगवा नगरी में भगवा रहने का अवसर है तो भगवा रहा जा रहा है, लेकिन एक ही लक्ष्य समय है स्वच्छता। और स्वच्छता का संकल्प इसलिए कि भगवान राम की नगरी है, राम की नगरी में भगवान राम के भक्त आ रहे हैं और भक्तों की सेवा में कोई कमी न रह जाए, कहीं गंदगी न रह जाए, कहीं कोई समस्या न रह जाए, उसको लेकर के हम लोग अभियान। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री, गरीब भक्त प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का यहाँ आगमन, पूरी अयोध्या खुशी से झूम रही है। जैसे भगवान श्री राम लंका विजय करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आते हैं ना,